अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय PUBG Vision चैनल। तो भाई लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज इस वाली वीडियो में PUBG के वीक 3 के जो चैलेंजेस है वो आए हुए हैं और ये सीजन 10 चालू है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, और सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग रूम में जाना होगा ताकि आप लोगों को सिर्फ वो चैलेंज दिखा दूँ जो के फर्स्ट चैलेंज जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को जो फर्स्ट मिशन आ रहा है किल एन एनिमी 18 मीटर आर मोर अवे विद अ ग्रेनेड, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो चैलेंज बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैप में मैंने एक जगह पे मार्क किया है ताकि मैं 18 मीटर की दूरी पर किसी को मार दूँ, ठीक है। तो ये तो मैं ट्रेनिंग रूम में आया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह क्लासिक मोड में यानी एरेंगल में आप लोगों ने प्ले कर देना है और 18 मीटर की दूरी पर खड़े होकर सिर्फ आप लोगों ने ग्रेनेड से बंदे को मार देना है, ठीक है। और हाँ गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट चैलेंज एक्सप्लेन करूंगा। अगर जिन व्यूवर्स को वो नहीं पता तो वो भी मैं आप लोगों सब लोगों को एक एक वीडियो समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 18 मीटर की दूरी पर एक बंदे को जो है वो उड़ा दिया है, लेकिन ये तो ट्रेनिंग रूम है, आप लोगों ने क्लासिक मोड में करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं इस तरह कर लूँ, थोड़ा सा इस बंदे से आगे हो जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं फिर से 33 मीटर, सॉरी, आप लोगों ने सिर्फ कम से कम 18 मीटर की दूरी पर बंदे को मार देना है, ठीक है। 18 मीटर की दूरी पर हो या आप लोग इससे ज़्यादा की मीटर की दूरी पर हो, बस आप लोगों ने बंदे को मार देना है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले बंदे को मारो, ठीक है, यानी नॉकआउट कर लो। उसके बाद आप लोग क्या कर लो कि जब उसको नॉकआउट कर लो तो आप लोगों ने उसको इस तरह से दूर जाके 18 मीटर की दूरी पर आप लोगों ने उसको मार देना है, ठीक है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये तो ट्रेनिंग रूम है, आप लोगों ने क्लासिक मूड में कर देना है, ठीक है। और हाँ व्यूअर्स, आप लोगों को नेक्स्ट चैलेंज की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट चैलेंज एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे वीक 3 में आप लोगों को एक चैलेंज दिख जाएगा, मुझे अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा 40 आरपी नहीं हो गया है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों के पास आ रहा हो, यूज द बॉय इमोट इन पुचंकी। तो आप लोगों ने उस चैलेंज को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। बॉ इमोट को आप लोगों ने यूज़ कर लेना है, बहुत सिंपल सा जो चैलेंज है वो आया हुआ है। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ कि बॉ इमोट जो है, आप लोगों ने अगर आप लोगों की आरपी जो है वो 40 हो गई है, ठीक है, तो 40 आरपी पे आप लोगों को ये बॉ इमोट आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने जस्ट इसको यूज़ करना है, वो भी पोचंकी के लोकेशन पे, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आप लोगों ने इस बॉय इमोट को यूज करना है, वहां पे जाके आप लोगों ने जल्दी से ये वाला इमोट यूज कर लेना है। अगर आप लोगों के पास 40 आरपी हो तब आप लोगों के पास ये इमोट ओपन होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अरन एस रेटिंग आर अबाउट 3 टाइम वाइल इन अ ग्रुप विद फ्रेंड इन क्लासिक मोड। तो सबसे पहला चैलेंज जो है हमारे पास वो आ रहा है कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ मैच प्ले कर देना है और वो भी क्लासिक मोड में। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, एरेंगल में आप लोगों ने मैच प्ले कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने RNS are more about 3 time, इसका मतलब यह है कि आप लोग जब आप लोग गेम खत्म करते हो तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ एरिया शो होता है, यानी डैमेज और ये वगैरह लिखा होता है, और यहाँ पे कुछ एरिया शो होता है जहाँ पे लिखा होता है RNS या RNSS+ या इतना, जो आपने जितना भी आपने
कवर किया हो, आयरन एस कवर किया हो, तो आप लोगों को वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको आ रहा हो कि आयरन एस, ठीक है, तो आप लोगों का ये मिशन जो है वो इजीली हो जाएगा। और आई थिंक अगर आप टॉप 5 में आओगे या टॉप 3 में आओगे तो आप लोगों का आयरन एस रेटिंग जो है वो हो जाएगा, यानी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास एक चैलेंज आ रहा है, किल 20 इनिमी इन पुचंकी विद M416 आर स्कारेल। तो पुचंकी में जाके आप लोगों ने करना क्या है, M416 या स्कारेल जो गन है उसके साथ आप लोगों ने 20 किल कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है, पुचंकी आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को क्लासिक मोड में मिलेगा, यानी एरेंगल। यहाँ पे जल्दी से मैं दिखा दूँ, ये आप लोग देख सकते हो एरेंगल। तो इसमें आप जाके पुचंकी को सबसे पहले मार करके वहाँ पे जंप लगा देना और M416 या स्कारेल उठा के 20 बंदों को मार देना। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, एलिमिनेट 10 प्लेयर विद द G36C G360C। तो ये जो गन है आप लोगों को वीकेंडी में मिलेगा। ठीक है, उसके साथ आप लोगों ने 10 प्लेयर को मार देना है। आप लोगों को मैं जल्दी से वीकेंडी बता दूं, तो आप लोगों ने इसके लिए एरेंगल नहीं प्ले करना है, मीरा मार प्ले नहीं करना है, सनहॉक नहीं प्ले करना है, आप लोगों ने वीकेंडी प्ले कर देना है। वीकेंडी में आप लोगों को ये गन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक और चैलेंज की तरफ। तो यहाँ पर वीक 3 में एक और चैलेंज आ रहा है, गेट अ फ्रेग ग्रेनेड इन 20 मैचेस। तो आप लोगों ने ग्रेनेड को उठा देना है और वो भी 20 मैचेस में, यानी आप लोगों ने 20 मैचेस प्ले करके हर एक मैच में आप लोगों ने एक एक ग्रेनेड उठा देना है, यानी ग्रेनेड उठा देना है। उसके बाद आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्मोक ग्रेनेड नहीं, वो फ्रेग ग्रेनेड जो होता है जिससे बंदा मर जाता है। ठीक है, स्मोक ग्रेनेड से तो बंदा नहीं मरता, तो आप लोगों ने फ्रेग ग्रेनेड उठा देना है जिससे बंदा मर जाता है। ठीक है, वो गन तो आप लोगों का ये काउंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, लैंड ऑन टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग इन पुचंगी 3 times। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पुचंगी के लोकेशन पर 3 times जो है वो लैंड करना है। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी पुचंगी के लोकेशन पर किसी बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों ने 3 times लैंड करना है। जब आपका गेम स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आप लोग जहाँ से 3 times लैंड कर लो, वो भी पुचंगी के लोकेशन पे किसी बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है, रिकवर अ टोटल ऑफ 1500 हेल्थ। तो करना क्या है इस चैलेंज के लिए, आप लोगों ने सिंपली अपने आप को किसी छत से गिरा देना है ताकि आप लोगों का हेल्थ कम हो जाए या आप लोगों को एनिमी डैमेज दे दे। उसके बाद आप लोग बार बार अपने आप को रिवाइव कर लो। ठीक है, तो उसके बाद जितना भी आपके पॉइंट्स, अगर 1500 यानी आपके रिकवरिंग पॉइंट जो है, रिवाइव पॉइंट जो है, वो 1500 तक पहुंच गए, तो आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और चैलेंज है हमारे पास, कैरी योर टीममेट फॉर अ टोटल ऑफ 10,000 meters व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को जो है वो गाड़ी में बिठा देना है। उसके बाद आप लोगों ने 10,000 meters उसको गाड़ी में घुमा के आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। यानी ड्राइव आपने करना होगा और बिठाया आपने फ्रेंड को होगा अपने गाड़ी में। ठीक है, अपने साथ गाड़ी में अपने फ्रेंड को उठा के आप लोग 10,000 meters ड्राइव कर लो, तो आप लोगों का ही चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से यूजर ऐसे करते हैं कि वो फ्रेंड के साथ बैठ जाते हैं लेकिन वो खुद ड्राइव नहीं करते। तो चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आपको ड्राइव करना होगा, आपके साथ दोस्त को बैठना होगा, सिर्फ बस इसी से हो जाएगा। उसके बाद एक और चैलेंज है, ओपन 5 airdrop। तो आप लोगों ने airdrop को मतलब ओपन करना है, जहाँ पे आप लोगों को AWM और गोरजा ये वगैरह गन जो मिलते हैं, सिर्फ 5 airdrops को आप लोगों ने ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 3 enemies विद AWM इन एनिमी। तो इस चैलेंज के लिए मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बता देता हूँ, आप लोगों ने इस चैलेंज को किस तरह कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये एरेंगल।
ठीक है, सॉरी अर्केड, अर्केड मोड में आप लोगों ने स्नाइपर मोड को प्ले कर देना है, आप लोग देख सकते हो स्नाइपर मोड। तो इसमें आप लोगों को AWM मिल जाएगा, उससे आप लोगों ने 3 किल करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैलेंज भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अर्केड मोड मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अर्केड मोड में AWM बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और सिर्फ क्लासिक में अगर आप लोग प्ले कर लोगे तो वहां पे आप लोगों को ड्राफ्ट के अलावा कहीं और AWM नहीं मिलेगा, जो कि कभी मुश्किल हो जाता है ड्राफ्ट, क्योंकि ड्राफ्ट तक बहुत से बंदे पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 20 इनिमीज इन क्लासिक मोड विद लाइट मशीन गन। तो लाइट मशीन गन है कौन सा, आप लोगों ने उससे कितने बंदों को मार दें लाइट मशीन गन, आप लोगों को आई थिंक क्या उस ड्रॉप में मिलेगा, तो लाइट गन मशीन, तो ये आप लोग देख सकते हो लाइट गन मशीन। और लाइट गन मशीन में आप लोगों के पास डीपी भी आता है, ये आप लोग देख सकते हो डीपी भी आता है, तो आप लोगों ने डीपी भी उठा देना है, ठीक है। डीपी बी से सॉरी डीपी 28 से अगर आप लोग 20 किल करते हो तो भी आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो ड्राफ्ट में भी नहीं, मतलब ड्राफ्ट के अलावा भी आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो क्लासिक मूड में मैच प्ले करना है या नेरेंगल में। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी आप लोगों ने इसे हेल्प लिया हो तो इस वीडियो को लाइक देना, और हाँ कमेंट जरूर करना प्लीज़, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।